एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज रियल लाइफ ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और मैं सुबह सुबह उठ के बस अपना चाय नाश्ता वगैरह सब ख़त्म करके यहाँ पे बर्तन धो रही थी और ये भी दूध वगैरह सब लेके आ गए थे। और मैं यहाँ पे गैस पे रख दी हूँ चावल बनने के लिए, बिकॉज पहले से रख दे रही थी चावल। उसके बाद मैं तब तक बर्तन धोऊंगी, ये सब हो जाएगा, उसके बाद बस सब्जी बनाएंगे हम। तो आज मैं जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर रही हूँ अपना, बिकॉज़ आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। मेरा जो गिफ्ट आया है ना वैलेंटाइन डे पे, तो आज मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो रही थी और प्याज वगैरह कट कर रही थी, और यहाँ पे ये मटर थोड़ा सा छील दे रहे थे। थोड़ा बहुत, मतलब बहुत टाइम लग जाता है ना ऐसे अकेले सारा काम करने में, तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, कभी कभी मटर वगैरह छील देते हैं। तो बस मैं सब्जी बनाने के लिए गई थी, और पता है आज क्या हुआ? आज ना सुबह से ही यहाँ पर लाइट कटा हुआ था, पावर कट था, और मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी रह ही नहीं रहा था कि लाइट कटा हुआ है यहाँ पे। और मैं मटर का सब्जी लेके बनाने के लिए आ गई, और जब मैं बनाने गई तब उनको याद आया कि अरे लाइट तो कटा हुआ है, फिर मैं इसको पीसूंगी कैसे? तो मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया कि कैसे बनाए फिर बिना पीसे हुए। तो फिर भी अब लाइट था नहीं, तो फिर सोचे कि अब जब ले आए बनाने के लिए तो अब जैसे भी हो बिना पीसे ही जैसे भी होगा बनाएंगे ही। तो बस वही, पता है मेरे दिमाग में ना सुबह से बिल्कुल भी था ही नहीं कि लाइट कटा हुआ है, और जबकि मुझे पता था कि लाइट कटा हुआ है, बट मेरे दिमाग में नहीं रह रहा था कि लाइट कटा हुआ है। और मैंने बाबू के लिए भी एप्पल वगैरह बनाना वगैरह कट कट के रखा कि इसको पीसना है, और जब मतलब सब्जी बनाने गई मैं तो ध्यान में आया कि लाइट ही नहीं है, पीस ही नहीं सकते कुछ भी। तो फिर वो कटोरी, मतलब मैंने जो कट करके रखा था, वो इनको दे दिए खाने के लिए कि इसको नहीं पीस सकते तो आप खा जाओ। तो बस यहाँ पे सब्जी मतलब पीसा भी कुछ भी नहीं है, तो बस मैं मसाले का ही ग्रेवी थोड़ा करूँगी। तो मैंने मसाले को ही उसमें पानी में डाल के घोल के डाला है, ये तो भुनेगा उसके बाद। और मैं प्याज को मतलब ढक के अच्छे से पका रही थी ताकि वो गल जाए, और उसको मैसर से मैश कर रही थी ताकि वो थोड़ा बहुत उसमें ग्रेवी बन जाए। तो बस जब तक मैं सब्जी बनाने के लिए डालती थी भून भून के, और फिर मैं चली गई थी नहाने गैस का फ्लेम लो करके, और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी, और इधर मेरा सब्जी भी बन गया था नहा के आने के बाद। फिर मैंने इसको देखा और फ्लेम हाई करके इसको थोड़ा सा चला दिए और मिक्स कर दिए अच्छे से, देख रहे थे, बट उतना अच्छा ग्रेवी तो नहीं बना इसमें क्योंकि पीस के नहीं डाले थे ना, बट फिर भी ठीक है, खाने लायक चल जाएगा, अब क्या कर सकते हैं मजबूरी में, कुछ मतलब समझ में नहीं आया तो बस ऐसे ही बन गया। तो बस यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ, बिकॉज सब्जी बन चुकी है मेरी। और इसके बाद मैं यहाँ पे मेरा ऑर्डर, पता है आज सुबह सुबह ही आ गया था, तो आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब मेरा जो फ़ोन था वो बाबू ने नीचे फेंक दिया था, तो वो टूट गया था, तो इसीलिए इन्होंने वो कब मतलब 13 को ही गिरा था शायद, तो वो नीचे गिर गया था तो फूट गया था। तो ये मतलब ऐसे तो हम लोग कुछ और, मतलब ये कुछ और प्लान किए थे गिफ्ट देने का वैलेंटाइन डे पे, बट इमरजेंसी में हमको फ़ोन लेना, बाबू ने फ़ोन तोड़ दिया तो फ़ोन लेना हो गया। तो ये 14th को ये फ़ोन ऑर्डर किए थे, और आज 17th को ये फ़ोन आ गया है। तो बस ये फ़ोन मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बस ऐसे ही दिखा दिया कि ये फ़ोन है और ये यही मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट है। तो आप लोगों को इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। ये फ़ोन OnePlus का है, OnePlus Nord 2, और इसकी स्पेसिफिकेशन, इसमें 12 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज है, और बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसका प्राइस 35,000 है,
और इसे हमने अमेजोन से लिया है। तो अगर आप लोगों को भी फ़ोन लेना हो या फिर फ़ोन का और भी डिटेल्स जानना हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लोग वहां से अमेजोन पे जाके ये फ़ोन चेक कर सकते हो, और अगर किन्हीं को लेना होगा तो वो परचेज भी कर सकते हैं वहाँ से। और फाइनली मतलब ये फ़ोन जो है बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इससे पहले भी मैंने ये वन प्लस का ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वन प्लस नॉर्ड, तो वो फ़ोन बहुत अच्छा था, तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इसका कैमरा क्वालिटी और वीडियो के लिए इसमें बहुत सारा मोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल रही थी ना, तो ये मतलब ऑन हो गया, मेरे से प्रेस हो गया उसका बटन तो ऑन हो गया। ये इतना स्लिम फ़ोन है ना, इतना स्लिम है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और बस अभी तो मतलब आया है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साइन कर रहा है ना बहुत ज़्यादा इसलिए। तो गाइज़ यही है मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए आप लोगों को, और कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है, बिकॉज आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, आप लोग बताते हैं कि ब्लॉग ऐसा है वैसे, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट पढ़ के, प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। और इसमें ना मतलब ये फ़ोन इसमें बस चार्जिंग का एडाप्टर और वायर ही देता है बस, और ईयरफोन्स वगैरह नहीं देते हैं, और इसमें ईयरफोन्स का के लिए स्लॉट भी नहीं है, इसमें हम सिर्फ ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, इसमें ईयरफोन नहीं लगता है इस फ़ोन में, ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाह रही थी, बिकॉज लेने से पहले आप लोग ये बात कन्फर्म रहिए कि इसमें ईयरफोन नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग गए थे घर देखने के लिए, तो यहाँ पे ये घर देखे ना, ये घर बिल्कुल भी मतलब हमें कॉल आया था कि ये मेरे 1 BHK खाली है यहाँ पे, तो हम लोग गए थे देखने के लिए, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक तो ये ग्राउंड फ्लोर पे था, ऊपर से इसमें बाथरूम मतलब किचन बेडरूम से अटैच था, और गैलरी वगैरह कुछ भी नहीं था, और विंडो मतलब भी विंडो के बगल से ही बिल्डिंग वगैरह पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज था ये, बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर बुलाए थे हम लोग गए थे देखने। तो गाइस बस आज की ब्लॉग में इतना ही है, मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर किया कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।